वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। तो आज हम जानेंगे पिच के बारे में। दिस इज द डाउट क्लियरिंग वीडियो। इन द लास्ट वीडियो ऑन द सिटी स्कैन, अ पर्सन नेम ऋषभ भंडारी आस्क्ड मी टू क्वेश्चन टू एक्सप्लेन हाउ पिच इज वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज पिच? पिच बेसिकली हमारा जो टेबल इंक्रीमेंट होता है पर 360 गेंट्री रोटेशन और अपॉन में स्लाइस थिकनेस, ये इसका फॉर्मूला है एक तरह से कि हमारे कितनी टेबल इंक्रीमेंट हुई है एक 360 गेंट्री रोटेशन में, और फिर उसकी जो स्लाइस थिकनेस है उसको हमें डिवाइड करना है। अब एग्जांपल मैंने लिया था, बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में जो है स्लाइस थिकनेस 10 mm और जो गेंट्री रोटेशन है वो 360 डिग्री 1 सेकेंड में रोटेट करती है। अब इस केस में जो हमारा टेबल इंक्रीमेंट था वो भी 10 mm हुआ, इसलिए हमारी जो स्लाइस थिकनेस थी वो 10 mm थी, इसलिए जो हमारा पिच था वो 1 था। और जैसे जैसे जो हमारा पिच है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जो हमारे वॉल्यूम ऑफ टिश्यू है वो इमेज भी बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम जो है हमारा टिश्यू का वो बढ़ता जाएगा। इसलिए जो पिच है हमारी ग्रेटर देन अगर 1 होती है तो वो ओवर सैम्पलिंग हो जाती है, उसमें जो है हमारा डाटा जो होता है सोर्स ऑफ डाटा जो पेशेंट का वो स्किप हो जाता है मेनली, और जो अगर लो होती है वो हमारी अंडर सैम्पलिंग के अंडर आती है। तो ये हमें ध्यान रखना है पिच के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर द डाउट्स। आई होप यू विल क्लियर आउट दिस टॉपिक वेरी वेल।